हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। वन बाय वन आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझते जाएं। अगर आप एक बार इन कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो नेटवर्क एनालिसिस के जितना भी सिलेबस है आपके कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो RGPB हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन लगा पाएंगे। सो आज हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने दो रजिस्टर लिए हैं। दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। इस रजिस्टर का नाम है R1, ये है मेरा रजिस्टर R2। अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना हो तो इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा? R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2। अब यहाँ पर अगर मैं एक और रजिस्टर ऐड कर दूँ, मान लीजिए इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? R3। तो R इक्विवेलेंट होगा हमारा R3। इस प्रकार से अगर मैं इन्फाइनाइट रजिस्टर भी ऐड कर दूं तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? सभी का समेशन। तो ये बहुत सिंपल ही रूल है। इट इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब यहां पर मैंने एक R1 रजिस्टर लिया, एक और R2 रजिस्टर लिया। अब मैंने दोनों रजिस्टर को किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में। इस साइड से अगर मुझे इसका R इक्विवेलेंट पता करना हो तो इसको निकालने का फार्मूला है हमारे पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर मैं एक और रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ R3, तो यहाँ पर 1 अपॉन R3 एड हो जाएगा। इन दोनों फार्मूले से आप इक्विवेलेंट रजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। वोल्टेज इन सीरीज। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। देखिए, इस सर्किट में क्या है? एक बैटरी वी है, यहाँ पर एक रजिस्टर है R1 और R2। R1 R2 दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। अब ये जो बैटरी वोल्टेज वी है, इन दोनों रजिस्टर के अंदर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम वोल्टेज कितना आ रहा है? V1। और यहाँ पर मान लेते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है? V2 आ रहा है। तो ये V हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि इन सीरीज वोल्टेज विल डिवाइड। तो ये आप नोट कर लीजिए, इन सीरीज वोल्टेज विल डिवाइड। सो इट इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फोर्थ। उसके लिए भी मैं एक सर्किट बना रहा हूं। अब मैंने क्या किया है, मेरे पास एक बैटरी है वी, R1 और R2 दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे मेजर करना है कि इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो उसके लिए आप सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान रखें, इन पैरेलल वोल्टेजेस आर इक्वल। अब देखिए, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पर अगर V वोल्टेज है तो इस R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या आएगा? V। इस R2 के अक्रॉस ही वोल्टेज कितना आएगा? V। मीन्स पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज इक्वल होता है। नाउ कंसेप्ट नंबर फोर्थ, सॉरी इट वाज फोर्थ, कंसेप्ट नंबर फिफ्थ। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। अब देखिए, आप यहां पर क्या किया, मैंने एक बैटरी है वी, इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया मैंने आर, और यहां पर ये ओपन सर्किट है, टर्मिनल है। अब
जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर V वोल्टेज है तो इसकी पैरेलल ब्रांच में यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आएगा? V। अब हमें यह समझना है क्या इस ओपन टर्मिनल पे कोई वोल्टेज आएगा? यस, आएगा। उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? V। तो यहाँ से आपको पॉइंट क्या नोट करना है, इन ओपन सर्किट वोल्टेज एग्जिस्ट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इन ओपन सर्किट वोल्टेज एग्जिस्ट। कंसेप्ट नंबर सिक्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक बैटरी वोल्टेज है V, ये रजिस्टर है हमारा R1, ये रजिस्टर है R2, यहाँ पर ओपन कर रखा है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ तो आपको पॉइंट का नोट करना है, इन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जीरो। तो इस शॉर्ट सर्किट टर्मिनल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। अब ये दोनों ब्रांचेस किसमें? पैरेलल में। अभी हमने कंसेप्ट देखा कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज क्या होता है? इक्वल होता है, इसलिए इस ब्रांच में वोल्टेज क्या रहेगा? इक्वल। मीन्स यहाँ पर अगर जीरो वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? जीरो वोल्ट आएगा। अब जब यहाँ पर भी जीरो वोल्ट है, यहाँ पर भी जीरो वोल्ट है, तो ये ब्रांच भी क्या हो जाएंगी? शॉर्ट। अब दो शॉर्ट ब्रांचेस है हमारे पास, तो दो शॉर्ट ब्रांच को हम एक सिंगल शॉर्ट ब्रांच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस ब्रांच को यहाँ से हटा दूंगा। अब आप देखिए, उस कंसेप्ट को मैंने लगाया तो ये सर्किट एक सिंपल सर्किट के अंदर रिड्यूस हो चुका है। तो अब इस R2 के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो एक बैटरी है, एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पर ही वोल्टेज कितना आएगा? V। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, इन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जीरो। अब हम देखते हैं हमारा कंसेप्ट नंबर सेवन्थ। करंट इन सीरीज, इसके लिए मैं एक सीरीज सर्किट बनाता हूं। एक बैटरी है, इसका वोल्टेज है वी, यहां से करंट पास हो रहा है आई, ये रजिस्टर आर वन, ये रजिस्टर आर टू। इस रजिस्टर आर वन के अक्रॉस भी करंट आपका आई रहेगा, इस आर टू के अक्रॉस भी आई रहेगा। तो यहां से आपको पॉइंट नोट करना है कि इन सीरीज करंट इक्वल। इन सीरीज करंट इक्वल। अब देखते हैं हम कंसेप्ट नंबर एट। अब मैंने वोल्टेज सोर्स लिया, यहां पे एक करंट सोर्स लिया है, ये आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आर वन और आर टू दो रजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, यहां पे करंट आएगा आपका आई वन, यहां पे करंट आएगा आपका आई टू। मीन्स वॉट? इन पैरेलल करंट डिवाइड्स। तो ये आप पॉइंट नोट करें, इन पैरेलल करंट डिवाइड्स। आप देखते हैं कंसेप्ट नंबर नाइन। कंसेप्ट नंबर नाइन को समझने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं मैं। ये एक आई एम पे करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये आर रजिस्टर इसके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये आई करंट यहां से फ्लो होकर जा रहा है, यहां पे आगे ओपन टर्मिनल है, तो ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। इन ओपन सर्किट करंट डजंट फ्लो, ये पॉइंट ध्यान रखें आप। तो इसके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पर कोई करंट नहीं आएगा, तो ये पूरा का पूरा करंट कहां जाएगा? इस आर रजिस्टर के अक्रॉस। कंसेप्ट नंबर टेंथ, अभी यहां पर मैंने ओपन सर्किट किया था, अब यहां पर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये आई करंट जा रहा है, यहां पर आई वन जा रहा है, यहां पर आई टू। तो आपको पॉइंट ये नोट करना है कि इन शॉर्ट सर्किट करंट एग्जिस्ट।
इन शॉर्ट सर्किट करंट एग्जिस्ट। तो अभी तक हम 10 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 11th। वोल्टेज डिवाइडर रूल। अभी तक हमने जितने कंसेप्ट पढ़े उसमें आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल किस में लगेगा? सीरीज सर्किट में लगेगा। तो आप ब्रैकेट में यहां पर लिख लें सीरीज सर्किट, तो इससे आपको ध्यान आ जाएगा कि ये वोल्टेज डिवाइडर रूल एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट बनाते हैं हम, अब देखिए आपको मालूम है ये मेन वोल्टेज है V, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर आ रहा है आपका V1, इस रजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है आपका वोल्टेज V2। तो अगर आपको इस V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्टली इस रूल के द्वारा ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है V1 तो आप ये देखिए आपको V1 किसके अक्रॉस निकालना है, आपको निकालना है V1 इस R1 रजिस्टर के अक्रॉस, तो इस R1 को ऊपर लिखिए आप, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोज रेजिस्टेंस इन विच वोल्टेज इज डिवाइडिंग, किस किस में डिवाइड हो रहा है, आर वन और आर टू में, तो इनका आप सम कर दीजिए आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज, मेन वोल्टेज कितना है आपका V। तो इस सिंपल से फॉर्मूले को ध्यान रखिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल के, जैसे हमने V1 को निकाला है वैसे ही हम V2 को निकालेंगे। आपको अगर निकालना है V2 किसके अक्रॉस निकालना है, इस R2 के अक्रॉस, तो इस R2 को आप ऊपर लिखिए, ये मेन वोल्टेज किस किस में डिवाइड हो रहा है, दोनों रजिस्टर में, तो आप इन रजिस्टर को नीचे लिखिए R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन वोल्टेज V। ठीक है, तो ये V1 और V2 इस वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे करंट डिवाइडर रूल, कंसेप्ट नंबर 12th। करंट किस में डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट के अंदर, और करंट इक्वल किस में रहता है, सीरीज में, तो ये करंट डिवाइडर रूल एप्लीकेबल किस में है, पैरेलल सर्किट में, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप पैरेलल सर्किट। एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं हम, ये एक आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये आर वन रजिस्टर है, ये आर टू रजिस्टर है, यहां पर मान लीजिए करंट आई वन, यहां पर मान लीजिए I2। अब आप ये देखिए ये मेन करंट है आपका, इन दोनों ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो अगर आपको निकालना है I1, अब I1 चाहिए आपको इस ब्रांच में, तो आपको इसकी पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लिखना पड़ेगा, इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, R2, तो आप R2 यहां लिखिए। अब ये मेन करंट किस किस में डिवाइड हो रहा है, दोनों रजिस्टर में, तो आप लिखिए आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट। अब ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से डिफरेंट कैसे, वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम उस रजिस्टर को ऊपर लिखते हैं जिसमें हमें वोल्टेज निकालना है, लेकिन करंट डिवाइडर रूल में अगर हमें इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो हम इसकी पैरेलल ब्रांच का रजिस्टेंस पहले लिखते हैं। ठीक है, ये रूल याद रहेगा आपको। अब निकालना है मुझे आई टू की वैल्यू, आई टू किस ब्रांच में निकालना है, आई टू निकालना है मुझे इस ब्रांच में, तो इसकी पैरेलल ब्रांच कौन सी है, ये वाली, तो इसका रजिस्टर हम ऊपर लिखेंगे आर वन, किस किस में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय मेन करंट। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल में छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 12th। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको कुल टोटल 12 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे के जो लेक्चर है उसको पोस्ट कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। थैंक यू।